हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रुखसार। आज हम बनाएंगे तंदूरी चिकन बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आइए देखते हैं। यह है हंकड़ बंधा हुआ दही, राई का तेल, सिरका है, विनेगर, हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, तंदूरी मसाला और नमक। तो सब चीज मिक्स करेंगे। पहले हंकड़, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, सिरका, हल्दी पाउडर, नमक अपने स्वाद अनुसार लें, ब्लैक पेपर पाउडर और ये तंदूरी मसाला। कोई और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें लगेंगे। और ये है राई का तेल, मस्टर्ड ऑयल। मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करना है। फूड कलर है और बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको यूज़ करना है तो कर सकते हो। पाउडर भी आता है और लिक्विड भी आता है। मैं यहाँ पे लिक्विड कलर यूज़ कर रही हूँ, 2-3 ड्रॉप्स। आप 1 पिंच पाउडर कलर यूज़ कर सकते हो। चिकन डाल के उसको अच्छे से मसाज करेंगे, मसाले अंदर तक लगाएंगे। बाजू में मेरा भाई खड़ा है, प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा। अच्छे से मसाज करना है। मसाज करने से ये होगा कि मसाले अंदर तक चिकन के लगेंगे और चिकन फिर ड्राई ड्राई लगेगा नहीं। चिकन का कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है, हर जगह पे मसाले लगाने की कोशिश करना है और मसाले लगा ही देना है, मसाज करना है अच्छे से। कोशिश कीजिए छोटी चिकन लेने, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होना चाहिए। देखिए मैं जैसे मसाज कर रही हूँ चिकन को, वैसे मसाज करिएगा। यहाँ थाइस भूलिएगा नहीं, थाइस पे जल्दी चिकन लगाना भूल जाते हैं सब लोग। चिकन के थाइस पे मसाला लगा देना, विंग्स के साइड भी। ढक के मैंने ओवरनाइट रखा था, आपने टू आवर्स भी रख सकते हो फ्रिज में। मैंने ओवरनाइट रखी थी। मैं ओवन में पकाने वाली हूँ, ओवन में इसको रोस्ट करने वाली हूँ, इसलिए मैं इसके लेग्स को थ्रेड से या धागे से अच्छे से बांध लूँगी। अच्छे से बांध लेना है, नहीं तो चिकन के लेग्स है ना ओवन में नीचे, अगर आप रोटेसरी पे पकाने वाले हो तो चिकन के लेग्स नीचे लगते हैं कॉइल पे, जो हम लोग को नहीं चाहिए, इसलिए अच्छे से बांध लेना है उसके लेग्स को। और जो उसकी नेक है उसको पीछे की तरफ है ना टूथपिक से ना ऐसे टूथपिक उस पर इंसर्ट कर देना है कि वो भी है ना यहाँ से वहाँ मूव नहीं हो। अगर रोटेसरी मूव होगा तो वो भी मूव हो गया, इसलिए
अच्छे से उसको टूथपिक से सेट कर लेना है। उसकी नेक को पीछे की ओर लेके उसको भी टूथपिक से सेट कर लेना। अब मैं रोटेसरी में इसमें इंसर्ट कर रही हूँ चिकन। ये एक टास्क जैसा था, मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही थी, इसमें बहुत मुश्किल हुई पर हो गया। फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आपको भी ऐसा लगेगा थोड़ा, फिर लग जाएगा अपने आप नहीं, आप ही लगाओगे। देखिए ऐसे इंसर्ट करना है इसमें, और इसके स्क्रू रहते हैं उसको लगा देना है। दोनों तरफ वैसे ही होता है, दोनों स्क्रू लगाने पड़ते हैं चिकन के अंदर इंसर्ट करने के बाद। और जो मसाले भी जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि मसाले लगने चाहिए वहाँ मसाले लगा दिए हैं, लगा दीजिएगा। अब मैं अवन में इंसर्ट कर रही हूँ। बैकग्राउंड को प्लीज अवॉइड करिए। बिस्मिल्ला। हाँ, मैंने 200 डिग्री पे इसको 40 मिनट्स के लिए रोटेट की थी रोटेसरी में, बट ये हुआ नहीं। फिर मैंने और 20 मिनट्स देके इसको, मतलब 60 मिनट्स फुल इसको पकाई हूँ, तो चिकन मेरा अच्छे से पक गया था। अब मैं यहाँ से निकाल ले रही हूँ चिकन को। ये फुल हो गया था, पक गया था। आप कोल का स्मोक भी दे सकते हो, कोयले का धुआं दे सकते हो। इफ्तार का टाइम हो रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था। आई एम सॉरी मैं प्लेटिंग दिखा नहीं पाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, कॉमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।